आईसी लॉकडाउन में प्रोटेस्ट करने की जरूरत। देखिए, बहुत ही अफसोस के बात कहना पड़ता है, एक मुस्लिम नौजवान जिसकी माँ ने पैसे लोन लेकर कर्ज लेकर यहाँ वहाँ से उसको इंजीनियर बनाया, पूरे देश में भाग भाग के नौकरी नहीं मिली, वो जवान दुबई गया नौकरी किया, दुबई से घर आया अपनी बहन की शादी करने के लिए, मुंबई की पुलिस गई उसको आतंकवाद में गिरफ्तार किया और वहां से लाने के बाद डॉक्टर मतीन और ख्वाजा यूनुस को जहां इंक्वायरी के लिए रखा था बाहर मतीन को बिठाया, अंदर ख्वाजा यूनुस को मारना शुरू किया, वो चिल्लाता रहा जैसे कोई बकरे को ज़बह करो, चिल्लाता ऐसी चिल्लाता रहा और उसकी एक बैग आवाज़ बंद हो गई और पुलिस वाले मतीन को लेके चले गए। मतीन आई विटनेस है इसका। मतीन ने चार पुलिस वालों का नाम दिया कि ये पुलिस वाले के ये लोग मारने में जिम्मेदार हैं, मर्डर के जिम्मेदार यही लोग हैं। और 25 अगस्त 2014 को स्टेट सीआईडी ने 14 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल करने के बाद सरकार ने सिर्फ चार लोगों पे केस चलाने को परमिशन दिया और सैंक्शन नहीं दिया, चार लोगों पे उन पे दिया चलाने के लिए जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था उन पे केस चला। जब वहां पे उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि भाई 14 लोगों का नाम है अगर चार्जशीट में तो केस 14 लोगों में चलना चाहिए, परंतु उस प्रोसिक्यूटर को सरकार ने बदली कर दिया और नया प्रोसिक्यूटर आया और सिर्फ चार पे केस चला, उन 10 को पहले सरकार ने ले लिया, अब फिर चार जिनका केस अभी फाइनल नहीं हुआ है उनको फिर सरकार ने ले लिया। क्या मजाक है ये? यानी एक लड़के को मार दिया गया, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक पेंडिंग है कि 14 के 14 पे केस चलना चाहिए, परंतु केस के फाइनल होने के पहले ही उन चार पुलिस वालों को फिर से लिया, 10 को पहले लिया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये जो है न्याय का मर्डर है, इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। कुछ नहीं है, जो चाहो मनमानी कर लो। मैं उद्धव जी से कहना चाहता हूं कि पहले जो सरकारें थी उन्होंने बहुत बेईमानी किया है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अब आप जो है एक सेकुलर सरकार में आए और सारे लोगों की उम्मीदें आप पे लगी हुई हैं। इस तरह से नौजवान को मार दिया गया और मारने वालों का अभी उसका केस भी खत्म नहीं हुआ और उन पुलिस वालों को उनको जो है उनकी तरक्की भी दी जा रही है, उनका स्टार भी बढ़ रहा है और फिर उनको नौकरी पर भी ली जा रही है और केस खत्म होने के पहले लिया जा रहा है। तुरंत इसके जो है उस पर जो है इंक्वायरी होना चाहिए और उन लोगों को सस्पेंड होना चाहिए और तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, ये हमारी मांग है। नहीं तो हम इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे। अभी चूंकि चल रहा है ये लॉकडाउन चल रहा है, हम अभी सिंबोलिक कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ का गला घोटते हुए हम देख नहीं सकते इस तरह से। एक नाम है सचिन वाजे का, शिवसेना के काफी करीबी रहे, पद भी मिला था जब तक वो सस्पेंडेड थे। मौजूदा सरकार में शिवसेना कांग्रेस के तीनों लोग आए हैं। अब आपको ये नहीं लगता कि जो सरकार के जब सत्ता में नहीं थी, जो विपक्ष में थे तब सचिन वाजे उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को जो है भुनाने की कोशिश की गई है, इस वजह से वापसी हुई है, तो कैसे ऐसे माहौल में जब वही सरकार सत्ता में है तो कैसे इंसाफ होगा? देखिए, सत्ता में हो या न सत्ता में हो, जहां भी नाइंसाफी होगी हम आवाज उठाएंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, देखते हैं बहरी गूंगी सरकारें कब तक आवाज नहीं सुनती हमारी।